डिंडोरी कलेक्ट्रेट परिसर में फरियाद लेकर पहुंची महिला ने खुद के ऊपर केरोसिन पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की। वहीं परिसर में मौजूद कर्मचारियों ने फरियाद महिला को आग से बचा लिया। कलेक्टर के समझाइश और कार्रवाई के आश्वासन के बाद महिला शांत हुई और घर अपने गई। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा उसकी जमीन पर दबंग ने कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत पुलिस प्रशासन में कई बार की गई है। इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से आहत महिला ने इस तरह के कदम उठाने का फैसला किया। मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। मैं थाना करंजिया में गई हूँ, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ टीआई बोलता है कि तहसीलदार करेगा, तहसीलदार बोलता है कि थाने में जाओ, और राजकुमार मोंगे मंडल अध्यक्ष बीजेपी का है, वो सरेआम खड़े होकर गुंडागर्दी करवाता है और दारू पिलाता है। वहाँ उठता बैठता है दारू पी के और मेरे दीवार को लात मारते हैं, कहता है कि एक महिला क्या उखाड़ लेगी, क्या बिगाड़ लेगी, ऐसा करके मुझे बोलते हैं। निजी जमीन नहीं है? नहीं, निजी जमीन नहीं, भूमि है। वो जहाँ वो पक्का मकान बनाए हैं, जस्ट उसके बगल में मेरा रास्ता है, मेरा झोंपड़ी।